हेलो एवरीवन, किसी व्यूअर ने पूछा था कि ये कंसर्न अबाउट क्या होता है, तो देखते हैं कंसर्न अबाउट के बारे में। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, अधिकतर लोगों को मालूम ही होता है, फिर भी मैं समझाता हूँ। गाइस, कंसर्न अबाउट का मतलब होता है कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप चिंतित हैं, आपका उससे एक जुड़ाव है, एक लगाव है, आप सोचते हैं उसके बारे में, एक चिंता आपको सता रही है उसके बारे में, यानी कि आप कंसर्न अबाउट को वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आप कंसर्न है उससे, आप जुड़े हुए उससे। तो जब भी आप कंसर्न अबाउट बोलते हैं तो उस अबाउट के बाद उस चीज़ की बात होगी कि अबाउट हेल्थ है, कि अबाउट लाइफ है, अबाउट जॉब है। उस अबाउट के बाद उस चीज़ का आप जिक्र करते हैं कि किस चीज़ की चिंता आपको सता रही है, आप किस चीज़ से चिंतित हैं, वो दिखाने के लिए कंसर्न अबाउट का इस्तेमाल होता है। यानी कि आप इसे वरीड कह लीजिए एक तरीके से। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सब्जेक्ट, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, कि आई एम कंसर्न अबाउट, यू आर, ही इज, शी इज, आई वॉज, ऐसे आप कर सकते हैं। कंसर्न अबाउट के बाद इस डैश डैश में आप वो चीज़ लगा सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में आप चिंतित हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, यह है कि आई एम कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, यानी कि आपकी जो हेल्थ है उसके लिए मैं चिंतित हूँ कि आपका, आपकी हेल्थ सही नहीं रहती है, आप सही से खाना पीना नहीं खाते हो, तो आई एम कंसर्न अबाउट योर हेल्थ। तो मैं फिर आपको सलाह दूंगा या आपसे क्वेश्चन करूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी चिंता है, आपके हेल्थ की चिंता है। तो इस सिचुएशन में आप कंसर्न अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। एक और है, पेरेंट्स शुड बी कंसर्न अबाउट देयर किड्स एजुकेशन, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनको चिंतित होना चाहिए, उनको वो कनेक्शन बनाए रखना चाहिए अपने बच्चों के एजुकेशन से संबंधित, कि उनके बच्चों की क्या एजुकेशन है, उसके लिए उन्हें चिंतित रहना चाहिए। तो यहाँ चिंतित का मतलब है कि आप कंसर्न हैं, आप मतलब सोचते हैं उसके बारे में, यू नो, चिंतित है मतलब क्या, आप सोचते हैं कि कैसे वो अच्छा एजुकेशन प्राप्त करें, आप हर चीज़ पर ध्यान देते हैं, इट मीन्स यू आर कंसर्न अबाउट देयर एजुकेशन। ऐसे यह है कि पुलिस आर कंसर्न अबाउट दैट चाइल्ड्स सेफ्टी, यानी कि उस बच्चे की जो सुरक्षा है उसके लिए जो पुलिस है वो चिंतित है, वो कंसर्न है, यानी कि पुलिस ये सोच रही है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि कैसे उसकी सुरक्षा की जाए, इट मीन्स पुलिस आर कंसर्न, ऐसे बात करेंगे। एक और है, माय मदर इज कंसर्न अबाउट माय वेल बींग्स, यानी कि मेरी जो अच्छाई भलाई है उसके लिए मेरी जो माँ है वो चिंतित है, वो कंसर्न है, यानी कि वो सोचती रहती है कि कैसे सब कुछ अच्छा हो। तो इस सेंस में हम कंसर्न अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। तो जिन्होंने पूछा होगा, आई होप वो समझ गए होंगे, तो आप स्पोकन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई एम कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, यार मुझे तुम्हारी हेल्थ की फिक्र है, चिंता है। आई एम कंसर्न अबाउट योर जॉब, मुझे तुम्हारी जॉब की फिक्र है, चिंता है, ऐसे आप इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज़।